प्रोग्राम है वो जैसा कुमार साहब चाहेंगे वैसे चलेगा। मैं आग्रह करूंगा श्री शंकरलाल जी कुमार साहब से कि मंच पे आए। मुकेश जी पीछे एक बार घुमा दे सब कुछ। आज के हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे समाज के सभी दीप्यमान रत्न और विभूतियाँ, प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से उपस्थित छात्र छात्राएं और उनके अभिभावकगण, आप सभी को मैं सादर अभिवादन करता हूँ। बहुत सारी बातें मैं ऑलरेडी आप लोगों को कह चुका हूँ, बहुत सारी बातें मेरे से पहले पूर्व होता कह चुके हैं। भाई राम कुमार ने समाज में कैसे चेतना लाए, कैसे जागृति लाए, कैसे एकता करें, उस संबंध में बहुत क्रांतिकारी बातें कही हैं और मैं उनकी बातों से बहुत हद तक सहमत हूँ। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है और ये बड़ी विडम्बना की बात है कि इनकी हेल्प ओवर करने के बाद भी कुछ बालिकाओं को जो एजुकेशन वो दिलवाना चाह रहे थे जिस तरह के, उसमें उन्हीं के पेरेंट्स आगे नहीं आए। तो मैं अपने भाषण की शुरुआत सबसे पहले तो अभिभावकों से ही करना चाहूँगा कि आपके पास जो पूंजी है, सबसे अच्छी पूंजी है, सबसे बड़ी पूंजी है, वो आपकी संतान है, आपके बच्चे बच्चियां जो भी हैं वो है। आप उन पे जो इन्वेस्ट करोगे उसका जो रिटर्न आएगा उससे बड़ा रिटर्न आपको जीवन में कहीं किसी और जगह से नहीं मिल सकता। इसलिए आप अपने बच्चों पे भरोसा रखिए, वो जो जिंदगी में करना चाहते हैं, जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें उनको सपोर्ट कीजिए और उनको उनकी मर्जी के हिसाब से आगे जाने के लिए निरंतर रूप से प्रेरित कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट के बिना बच्चे कभी आगे नहीं बढ़ सकते। एक इंसान पूरी दुनिया से लड़ सकता है लेकिन अपने घर वालों से नहीं लड़ सकता, इसलिए आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है कि वो जिंदगी में कुछ बने कुछ करे। उसके लिए कदम कदम पर आप लोगों का एक उनके प्रति रहना चाहिए कि ठीक है आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो और तुम्हारे साथ में है। ऐसा नहीं कि एक बार की असफलता दूसरी बार की असफलता के बाद आप बोल दो कि नहीं अब तुम्हारे बस का नहीं है, तुमसे नहीं हो पा रहा, तुमने दो बार कोशिश करी, तीन बार कोशिश करी, अब नहीं, अब तुम्हें काम धंधा देखो या छोड़ दो या तुम ये करो। उसकी इच्छा है, उसको जितने समय तक करना है आप करने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो 25 साल का है 30 साल का है क्या है। लेट इट ट्राई, जब तक वो उसका खुद का मन नहीं करेगी नहीं आप मैं छोड़ के दूसरा कोई काम करना चाहता हूँ, तब तक एटलीस्ट आप लोग उसका साथ दीजिए। अब यहाँ बैठे छात्र छात्राओं से मैं कहना चाहूँगा, एक तो समाज के लिए सबसे बड़ी बात है कि जो राम कुमार ने कहा वो सब तो ठीक है, सबसे बड़ी बात है किसी भी समाज को, मैं अपने समाज की बात नहीं कर रहा, किसी भी समाज को अगर आगे बढ़ना है तो उसको एजुकेशन पर ध्यान देना पड़ेगा और स्पेशली बच्चियों और बालिकाओं के एजुकेशन पर ध्यान देना पड़ेगा। एजुकेशन के बिना कोई सोसाइटी कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता। अगर इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया तो आप उम्मीद मत कीजिए कि प्रोग्रेसिव समाज बनेगा, ये प्रगतिशील समाज हमारा बनेगा। तो अभिभावकों से पुनः मेरा निवेदन है कि आप बच्चों की एजुकेशन में इन्वेस्ट कीजिए, एटलीस्ट उनको ग्रेजुएशन लेवल तक की एजुकेशन दिलवाइए, चाहे आप उनको प्रोफेशन में ले जाना चाहते हैं या किसी व्यवसाय में लेना चाहते हैं, अपने काम धंधे में लगाना चाहते हैं, कुछ भी करवाना चाहते हैं, बट एटलीस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक की शिक्षा उनको जरूर दिलवाइए। अब यहाँ जो छात्र छात्रा आए हुए हैं उनसे मैं पुनः कहना चाहूँगा कि काफ़ी सारी बातें आपके करियर ओरिएंटेशन को लेकर हो चुकी है, एंड अगेन मैं ये कहूँगा कि सफलता का कोई स्पेशल मंत्र नहीं है, कोई सीक्रेट मंत्र नहीं है, न कोई लाल किताब का रहस्य है, न किसी की गुण तंत्र विद्या का कोई मामला है। बीडी कुमार जी ऑलरेडी आपको ये बता चुके हैं कि अगर आईएएस आरपीएस की बात नहीं कर रहा मैं, या यूपीएससी आरपीएससी की बात नहीं कर रहा, एसएससी की बात नहीं कर रहा, सीडीएस की एग्जाम की बात नहीं कर रहा, या जो दूसरे कॉम्पिटिशन उनकी बात नहीं कर रहा, किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो आप, प्राइवेट सेक्टर में जाने की आप कोशिश कर रहे हो या आप अपना खुद का व्यवसाय करने की कोशिश कर रहे हो, सक्सेस का एक बड़ा सिंपल सा फंडा होता है जिसमें सबको काम करना होता है, वो सभी चीज़ें बराबर रूप से अप्लाई होता है। सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने कही थी कि आपको एक एम है, आपका एम होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ज़िंदगी में आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो। तो सबसे पहले तो जो कन्फ्यूजन दुविधा आपके दिल और दिमाग में है उससे बाहर निकलिए और अपना एक एम डिसाइड कीजिए कि मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। इसके लिए आपको कोई दूसरा मदद नहीं करेगा, आपको अपने आप के अंदर झांकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी क्वालिटी क्या है, मैं कौन सा टारगेट अचीव कर सकता हूँ। उसमें मदद आप अपने मित्रों की भी ले सकते हैं, रिश्तेदारों की भी ले सकते हैं, कोई सीनियर आदमी जिससे आपका परिचय हो उससे भी ले सकते हैं, और इंटरनेट वगैरह के माध्यम से भी आप कई सारी जानकारियाँ सर्च करके ले सकते हैं। बट डिसाइड योर टारगेट,
जब तक आपने अपना टारगेट डिसाइड नहीं किया आप जिंदगी में किसी दिशा में आगे नहीं बढ़ पाओगे। वो तो फिर वो समुद्र में उस नाव की तरह है जिसको पता नहीं कि उसको कहाँ जाना है, तो इधर उधर डोलती रहती है। सेकेंड थिंग ये है कि एक बार आपने अपना टारगेट डिसाइड कर लिया तो अगेन वही बात आती है कि आपकी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपके पास एक एक्शन प्लान होना चाहिए कि मैं किस तरीके से इस टारगेट को अचीव करूँगा। अगर स्पेशली मैं सिविल सर्विस की बात करूँ जो कि मेरा अपना देखा हुआ है, तो उसमें बड़ी सिंपल सी बातें हैं कि अगर आपको सिविल सर्विस में जाना है, आपको UPSC क्रैक करना है, तो आपको सबसे पहली चीज़ है कि ग्रेजुएट होनी चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन पूरी कर ली है, लेकिन सेकेंड थिंग आती है सिलेबस। किसी भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सिलेबस। सिलेबस को अच्छे से पढ़िए, पूरा देखिए कि कौन कौन से बिंदु उसमें कवर हो रहे हैं, और फिर उस सिलेबस को कवर करने के लिए आपको किस तरह का स्टडी मटेरियल चाहिए वो इकट्ठा कीजिए। स्टडी मटेरियल इकट्ठा करने के कई तरीके हो सकते हैं। आप इंटरनेट से जानकारी ले सकते हैं, आप पुराने जो लोग जिन्होंने एग्जाम को क्रैक किया है उनके इंटरव्यू देखिए, यूट्यूब से मिल जाएंगे आपको इंटरव्यू, या इस तरह की कई सारी आजकल वेब डेवलप्ड एप्लीकेशन भी हो गई है जिनको डाउनलोड करके आप उनसे भी सीख सकते हैं। वहाँ से आप समझिए कि इन लोगों ने कौन सी बुक्स पढ़ी है, इन लोगों ने कहाँ से एजुकेशन ली है, इन लोगों ने कहाँ से रेफरेंस ली है। तो उससे आपको सिलेबस कवर करने के लिए जो बुक्स चाहिए, जो स्टडी मटीरियल चाहिए, उसको आइडेंटिफाई कीजिए। कोचिंग में चले जाइए, कोचिंग वाले भी आपको वो सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा देंगे, वो बताएंगे आपको कि कौन कौन सी अच्छी बुक्स हैं जो आपको पढ़नी है। तो इस तरीके से आप अपने लिए उस पर्टिकुलर सिलेबस को पूरा कवर करने के लिए कौन कौन सी बुक्स चाहिए वो सारी आइडेंटिफाई करके लिस्ट बना सकते हैं। अगेन वही बात आती है, फिर उनको खरीद लीजिए। और फिर बात वही है कि जो 24 आवर्स का टाइम आपका अवेलेबल है उसको उपयोग करते हुए पूरा सिलेबस आप कवर करने की कोशिश कीजिए। एक चीज़ इसमें नोट करना चाहूँगा कि समय का सदुपयोग आपके अपने हाथों में है। आप दिन में किस तरीके से पढ़ने में कंफर्टेबल है उसी तरह से पढ़ाई करने की कोशिश कीजिए। किसी और के देखा देखी जाने की जरूरत नहीं। बहुत लोग कहते हैं कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ने से अच्छी पढ़ाई होती है, पर मेरे केस में हमेशा उल्टा था। मुझे सुबह बहुत ज़्यादा नींद आती थी, मैं उठकर पढ़ने की कोशिश भी करता था, 10 मिनट बाद सो जाता था। तो मैंने कभी उस स्ट्रेटजी को अपनाया नहीं, मैं देर रात तक पढ़ता था और फिर सुबह देर तक सोता था। आप लोग देख लें कि आप लोगों को पढ़ने का कौन सा समय सूट करता है, कैसे आप पढ़ना चाहते हैं, उस हिसाब से पढ़ाई कीजिए। इसमें कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि आप सुबह जल्दी उठ के ही पढ़ेंगे या दिन तक पढ़ेंगे। आप दिन में भी सो सकते हैं, रात को पढ़ सकते हैं, रात को सो सकते हैं, दिन में पढ़ सकते हैं, जैसा आपको सूट करें। पर कोशिश कीजिए कि जो सिलेबस है वो आपका पूरा कवर हो, टाइम से कवर हो जाए। अगेन वही आता है कि 8 घंटे पढ़े, 16 घंटे पढ़े, 10 घंटे पढ़े, मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि जो सिलेबस आपको तैयार करना है एग्जाम में जो चीज़ें आपको लेनी है वो अगर आप 2 घंटे में पढ़ के भी 6 महीने में कवर कर लेंगे, या आपको लगता है कि 3 घंटे पढ़ने से मैं कर लूँगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप 3 घंटे पूरे पढ़ लीजिए। और आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा, आप 8 घंटे पढ़िए, उसमें भी नहीं हो रहे तो 16 घंटे भी पढ़िए। ये डिपेंड करता है आपकी अपनी कितनी कैपेसिटी है, आप कितनी जल्दी चीज़ों को समझते हो करते हैं। इस तरीके से एक स्ट्रेटजी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। एंड अगेन फिर आता है आपका कमिटमेंट होना चाहिए, आपका डिवोशन होना चाहिए, आप लोगों के अंदर एक जिद और जुनून होना चाहिए कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है, मुझे ये बनना है। जब तक वो आग आप लोगों के अंदर नहीं होगी, वो जुनून या जिद आप लोगों के अंदर नहीं होगी, वो टारगेट कभी अचीव नहीं होगा। तो ये आपको बनाना पड़ेगा कि नहीं, मुझे ये करना ही है, चाहे परिस्थितियाँ कैसी हो, चाहे माहौल कैसा ही हो, चाहे मैं कितनी बार असफल हो जाऊँ, मुझे आज नहीं तो कल इस मुकाम तक पहुँचना है। वो जुनून कमिटमेंट आप लोगों के अंदर होना चाहिए एंड एक डिसिप्लिन लाइफ में होना चाहिए। बिना डिसिप्लिन के लाइफ में आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। अगर आपकी ज़िंदगी में अनुशासन नहीं है और आप चीज़ों को लाइटली लेते हैं कि आज पढ़ लिया, 2 दिन बाद घूमने के लिए चले गए, तीसरे दिन आगे फिर कुछ पढ़ लिया, तो उससे कुछ नहीं होगा। एक आपको रूटीन बनाना पड़ेगा, एक डिसिप्लिन खुद को मेंटेन करना पड़ेगा। एक तपस्या है, साधना है, जो आपको साल भर भी करनी पड़ सकती है, हो सकता है 2 साल करनी पड़े, 3 साल करनी पड़े, 5 साल करनी पड़े, 10 साल करनी पड़े। मैंने 2001 में ग्रेजुएशन किया था और मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था 2010 में। तो लगातार 9 साल मैंने तैयारी की है इसी डिवोशन के साथ, इसी कमिटमेंट के साथ। ये हो सकता है आपके केस में साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, डिपेंड करता है कि किस आदमी की किस तरह की कैपेसिटी है। बट आप लोगों को लाइफ में डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, अदरवाइज आप कोई टारगेट अचीव नहीं कर सकते। एंड अगेन जो लास्ट बात आती है, हार्डवर्क, मेहनत, उसका कोई कोड नहीं है, देयर इज नो शॉर्टकट। मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, जितनी आवश्यकता उतनी करनी पड़ेगी। इससे आप ये सोचिए कि इसका कोई शॉर्टकट मिल जाए या मैं किसी और तरीके से एग्जाम में अपीयर होकर निकल जाऊँ, वो सब पॉसिबल नहीं है। तो आप अपने दिमाग में इस बात को बिल्कुल फिक्स करके रखिए कि मेहनत करनी ही पड़ेगी और जितनी आवश्यकता है उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप कोई टारगेट अचीव कर पाएंगे।
इसके अलावा अभी दो तीन सवाल ऐसे थे जो बीच में कुछ लोगों ने उठाए थे। एक बच्चा कह रहा था कि IPS की तैयारी के लिए या फिजिकल फिटनेस की जरूरत होती है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि कोई भी आर्म फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, IPS है, इस तरह की जो भी सर्विसेज है उनके लिए एक पर्टिकुलर लेवल की फिजिकल फिटनेस की हमेशा आवश्यकता होती है। बाकी कुछ जो सिविल सर्विसेज है उनके लिए मेडिकल का उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, बट मेडिकल टेस्ट आपका किसी भी एग्जाम में चले जाइए वो होता ही है, और एक पर्टिकुलर लेवल की मतलब हिंदी वो आपकी होनी चाहिए, फिजिकल फिटनेस आपकी ज़रूरी है। सेकेंड एक कह रहा था कि एग्जाम का प्रेशर कैसे हैंडल करें, तो उसमें बात ये आती है कि भाई प्रेशर वाली स्थिति आती है क्यों? प्रेशर की स्थिति तब आती है जब या तो आप ऐसा टारगेट अपने लिए चूज कर लेते हो जो आप अचीव नहीं कर सकते, ये स्थिति तब आती है जब आप माता पिता या पेरेंट्स के दबाव में आके कुछ ऐसा काम करने लगते हो जो आपको पसंद ही नहीं है, ये स्थिति तब आती है जब आप लोगों ने कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई, कोई तैयारी नहीं की और किसी कॉम्पिटिशन में कूद गए और वालों पर सडन आपको लगता है कि अब एक ही महीना बचा है मैं इसको कैसे क्लियर करूँगा, और आपका प्रेशर होता है कि पास करना ही है आपको। तो ये प्रेशर वाली स्थिति आने नहीं दीजिए, आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए पूरा टाइम हमेशा मिलता है, नोटिफिकेशन समय से निकलता है, स्पेशली UPSC का नोटिफिकेशन तो बहुत टाइम से निकल जाता है, और एक पर्टिकुलर मतलब साल भर का समय लगभग आपको एग्जाम की तैयारी करने के लिए मिल जाता है। अगर आप समय से तैयारी करेंगे, चीज़ों को टाइम से देखेंगे, पढ़ेंगे, डिसिप्लिन के साथ पूरा आगे बढ़ेंगे, तो प्रेशर वाली स्थिति कभी नहीं आएगी। अगर उसके बाद भी थोड़ा बहुत प्रेशर आपको फील होता है, तो प्रेशर को दूर करने के कई तरीके हैं। आपको अगर लग रहा है कि मैं आज प्रेशर में हूँ, मुझे लग रहा है क्या करूँगा कैसे करूँगा, तो उस स्थिति में आप कोई आपको कोई अच्छी बुक पसंद है तो बुक पढ़ लीजिए, आपको लगता है कोई अच्छी मूवी है मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ मूवी देख लीजिए, थोड़ी समय के लिए अपना ध्यान उस चीज़ से हटा लीजिए जिसकी वजह से आपके प्रेशर क्रिएट हो रहा है। आप उसके लिए अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, ये छोटे छोटे तरीके होते हैं। इसके अलावा आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं जो हल्का फुल्का प्रेशर जो किस तरह का क्रिएट होता है, एंग्जाइटी होती है, उसको कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इसके अलावा और कुछ इस चीज़ में है नहीं ऐसा कि आप कैसे करेंगे क्या। हेलो, आदरणीय मंच को मेरा नमस्कार। मैं पवन कुमार सरस्वा, पुत्र राजेंद्र प्रसाद सरस्वा, बीकानेर जिला से। सर मैं लास्ट ईयर मैंने प्रीलिम्स का UPSC सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स क्वालिफाइड कर लिया था, उसके बाद मेंस में मैं अनक्वालिफाइड हो गया। रीज़न मुझे जो मेरे इंस्टीट्यूट वाजी राम एंड रवि से मैंने ली है, इसका मुझे मार्गदर्शन किया था विजय जी किरोड़ीवाल ने, तो मैंने वहाँ से किया, उन्होंने मैंने उनको सारे वापस रिटर्न करके और मेरे क्वेश्चंस भेजे, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरा स्टैटिस्टिकल डाटा कम था। तो सर मैंने PIB से स्टैटिस्टिकल डाटा उठाया था, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से, फिर भी सर कम होने की वजह क्या हुई, और अगर मैं उसमें सर डालूँ तो कितना परसेंट डालूँ कि मेरा स्टैटिस्टिकल डाटा की ये वजह मुझे ना मिले इस बार के नेक्स्ट टाइम। यार मेंस का एग्जाम क्लियर करना केवल स्टेटिस्टिक्स के डाटा पे या उस पर डिपेंड नहीं करता, बहुत सारे पेपर होंगे, काफ़ी सारे पेपर होंगे, ओवरऑल मार्किंग जो आपकी हुई होगी उस पर डिपेंड करता है। अगेन ये है कि सब्जेक्टिव एग्जाम में आप अपना अच्छे से अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकते हो, वहाँ एग्जामिनर को क्या पसंद आएगा क्या नहीं आएगा ये केवल अश्योर वो पता नहीं रहता, बट आपको एफर्ट्स करने चाहिए। मेरा ये है कि असफलता सफलता लगातार चलती रहेगी, जरूरी नहीं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेंस क्लियर कर लें। आपको अगर कोई अपनी गलती पकड़ में आई है, आपको लग रहा है कि ये मैंने यहाँ पर कमी रखी, तो उसको दूर कर लीजिए और दोबारा से एग्जाम में बैठिए, हो सकता है अगली बार आपको अच्छे मार्क्स मिले। सर एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सर कि मेरे पेरेंट्स मेरे पापा जिनसे मैं बहुत ज़्यादा कि हाँ हूँ कि उन्होंने मुझे कहा था कि शुरू हो जा तो कर सकता है, पर सर धीरे धीरे जब एक साल बीता, फर्स्ट ईयर में अनक्वालिफाइड रहा, सेकेंड ईयर में मैं प्रीलिम्स क्वालिफाइड भी हो गया, पर सर समाज दबाव करने लगे हैं। अब प्रेशर से हाल ये है कि मुझे ये कह रहे हैं कि आप क्लर्क की जॉब करो, जैसे तैसे हो क्लर्क की जॉब करो। ये सर ये नई बात आ रही है प्रेशर वाली बात, मैंने जैसे कह रहा था कि आप अगर गलत टारगेट अचीव कर लेते हो या पेरेंट्स के दबाव में आप कुछ ऐसा चूज कर लेते हो जो आप नहीं कर सकते तो प्रेशर आएगा। अगेन जो अभिभावक बैठे हुए हैं उनको मैं फिर ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने बच्चे पर भरोसा रखिए, इसने प्रीलिम्स क्लियर किया है, मेंस का एग्ज़ाम दिया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें वो कैपेसिटी है कि वो उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है। आप इसको अपॉर्चुनिटी दीजिए ना, पहली अपॉर्चुनिटी थी, उसी अपॉर्चुनिटी में अगर आप निराश हो जाएंगे तो फिर वो कैसे फाइट करेगा। तो आपके जो भी पेरेंट्स हैं उनको मेरी स्पेशली रिक्वेस्ट है कि आप जब तक करना चाहते हैं इस एग्जाम की तैयारी, जब तक आप में लड़ने का जज्बा है तब तक वो एटलीस्ट आपको सहयोग करें। ये तो आप बिंबा अंकल हैं, वो बहुत खास है मेरे पापा के मित्र हैं, मैं ज़्यादा तो यहाँ नहीं जानता हूँ, तो उन्हें आप सर प्लीज़ कहिएगा, क्योंकि सर क्लर्क के लेवल की मैं देना चाहता, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। देखो वो सुन रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो काम मत कर लो।
सुनने की जरूरत नहीं है, वो करो जो करना चाहते हो सर। काम काम करके सर पैसे नहीं होते ना। अगर मैंने जॉब कर ली कहीं तो सर मेरे को ये लगता है, अरे नहीं, कि मैं आईटी में जॉब करूँ। पैसे पैसे क्यों चाहिए आपको, किस चीज़ के लिए पैसे चाहिए? बुक्स वगैरह के लिए पैसे इसमें तो आपको दे ही देंगे सर। बुक्स की तो प्रॉब्लम ही नहीं रही क्योंकि मैंने वाजीराम से कभी भी ऑलरेडी आई थी। वाजीराम तक पढ़ के आ गए हो, फिर पैसे वाला कोई इशू नहीं है। बहुत बुक्स आपके पास है, सारा आपके पास स्टडी मटीरियल है। खाना आपको घर वाले देने से मना करेंगे नहीं, घर के अंदर किसी कमरे में मिल जाओ और तैयारी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे ये पता था कि मैं अगर आईटी सेक्शन में भी जाता तो बहुत अच्छा कर सकता था, पर सर मेरा ड्रीम जॉब था कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊँ और मैं सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडिया बनूँ। तो सर उसके लिए मैंने तैयारी शुरू की किया तो सर अभी तक कोशिश में जारी थी, ऐसा नहीं होगी सर छोड़ा नहीं वो। पर सर यूँ था कि उन्होंने कहा कि तुम क्लर्क ही करना, एक बार हाथ में दिखा दो वो ड्रीम है ना, तो ड्रीम को जियो। वही तो मैं कह रहा हूँ, जिद होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए। आपका ड्रीम है तो तैयारी करो, बाकी चीज़ों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। जिस फेज से आप गुजरे हो ना उस फेज से मैं 2001 के बाद गुजर चुका हूँ। 2001 में मैंने ग्रेजुएशन किया, फाइनल सिलेक्शन हुआ 2010 में, 9 साल का पीरियड मैंने निकाला है। तो ये जो समस्या आपके सामने आई थी मेरे सामने भी आई थी। घर वाले सबसे चाहते हैं कि बच्चा जल्दी से जल्दी सेटल हो जाए, किसी न किसी जॉब को एक बार पकड़ ले, उसके बाद अपनी तैयारी करते रहे। उनकी अपनी चिंताएँ होती हैं, वो जाहिर होती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना जो टारगेट है वो छोड़ दो। मेरे घर वाले भी चाहते थे कि मैं कोई दूसरा जॉब करूँ, एटलीस्ट बीएड करके टीचर ही बन जाऊँ या और कुछ करूँ। मैंने कभी उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। मुझे ये था कि भाई मैं घर से तो मेरे को निकाल नहीं सके, तो तैयारी मुझे जो करनी है मैं लगातार करता रहा, फाइनली मैंने अचीव किया उसको। तो आपको अपना मोटिवेशन हाई रखना पड़ेगा और आपका अपना जो डिटर्मिनेशन है उसको आप कायम रखिए, आप कर लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सर एक क्वेश्चन था मेरा, नैतिक और अनैतिक। सर नैतिक और अनैतिक, सर मैंने ये पढ़ा अर्थशास्त्र के रूप में कि ये परिभाषा काल समय और देश के अनुसार दी जाती है। सर क्या ये आज भी सही है? ये रिलेवेंट चीज़ें हैं, वो सही बात है। काल समय और देश के हिसाब से बदलती रहती है। जो चीज़ यहाँ सही है गलत है वो हो सकता है किसी दूसरी दुनिया में किसी दूसरे देश में सही नहीं हो। तो इन चीज़ों का तो रिलेटिव होता है हमेशा। अच्छा सर, एक आदरणीय श्री राम प्रकाश सर, उनसे मेरी एक बार वार्तालाप हुई थी, तो उन्होंने अपने सर मुझे कहा था कि सपने देखते हो? तो मैंने कहा सर हाँ देखता हूँ। तो कहा कैसे देखते हो? मैंने कहा जाग के आंखों से देखता हूँ। तो बोले कि उसका अधिकार किसको होता है ये मुझे जब भी तुम अगली बार मिलो तो बताना। तो सर मैं आप बाद में मिल नहीं पाया, आज ही मिला हूँ, तो सर जवाब जरूर देना चाहूँगा कि सर बता दो। सर अधिकार मेरे हिसाब से सर अधिकार उनको ही होता है जिनमें सपना पूरा करने का साहस होता है। थैंक यू सर। सर आप मैं कोशिश करूँगा। नमस्ते सर, आदरणीय मंच पर आदरणीय सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम। क्वेश्चन ये था कि मैं वर्किंग हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब हूँ सेक्रेटरी ऑफ सर्विस के अंदर, और उसके साथ साथ यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहा हूँ सर। तो मैं किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करूँ? टाइम मैनेजमेंट का ऐसा है कि गवर्नमेंट जॉब में आप हो तो एक कमिटमेंट तो आपका गवर्नमेंट की होती है, तो वो आपको निभाना चाहिए। ईमानदारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अगर आपने गवर्नमेंट जॉब को एक्सेप्ट किया है और वहाँ आपका कमिटमेंट है, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए जितना टाइम आपको देना है वो टाइम तो आपको देना ही है। उसके बाद जो आपका समय बचता है वो आपका अपना है। तो अब आप 9:30 से अगर 6 तक ऑफिस में जा रहे हो तो या तो आप सुबह उठ के जल्दी पढ़ाई कीजिए या 6 बजे के बाद आप पढ़ाई कीजिए। वो मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। दो चीज़ें एक साथ आप अगर कर रहे हो तो थोड़ा सा समय की प्रॉब्लम आएगी आपको, पर लॉन्ग रन में आप धीरे धीरे तैयारी करते चले जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा समय की आवश्यकता नहीं होगी। इनिशियली जब आप शुरुआत करते हैं तब ऐसा होता है कि आपको लगातार पढ़ना पड़ता है, पर धीरे धीरे जब आप चीज़ें सीखते चले जाते हैं समझते चले जाते हैं आपको याद हो जाती है, सिलेबस आपका काफ़ी कुछ कवर हो जाता है, तो एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा उस समय की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये आपको थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब के साथ तैयारी कर रहे हो, पर बाकी जो आपका बचा हुआ समय है शाम के समय का या जो है उसको उपयोग कीजिए, उसमें पढ़ाई कीजिए आपको। सर मेरा दूसरा सवाल ये था कि मेरी राइटिंग स्किल और स्पीड दोनों ही बहुत पुअर है। अभी मैंने IAS मेंस का रिजल्ट किया था तो उसमें भी मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही इस चक्कर से, तो मैं राइटिंग स्किल और स्पीड और स्किल राइटिंग स्किल एंड स्पीड है वो उसका एक ही तरीका है कि आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिए बैठ के। आप किस तरीके की लिखने की प्रैक्टिस करोगे? आप कुछ भी लीजिए, आप जो पढ़ रहे हो आप क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत सारे जो पुराने पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर हैं वो उठा लीजिए मेंस के, और उन क्वेश्चन के आंसर आप अपने किसी भी बुकलेट में नोटशीट में या नोटबुक में लिखना शुरू कीजिए। उससे धीरे धीरे क्या है आपकी राइटिंग भी ठीक होगी, स्पीड भी आपकी धीरे धीरे बन जाएगी।
तो वो अगेन वही है कि वो प्रैक्टिस में मैक्सिमम परफेक्ट वाली बात है कि आप अभ्यास करते हो तो इम्प्रूव हो जाते हो। इस चीज़ पे आप फोकस करें, थोड़ी सी मेहनत करें, लिखने की कोशिश करें, आपकी स्पीड और दोनों ठीक हो जाएगी। थैंक यू सर। एक बात मैं कहता हूँ आपको जो सचिवालय सेवा के इस पोस्ट पे प्रोबेशन पूरा हो गया क्या आपका? छः महीने हो गए। देखो सबका अपना अपना अलग अलग सोचना है, मेरा ऐसा सोचना है कि कोई किराए